पिछले कई दिनों से एक मानस था, एक विचार था, कुछ युवा साथियों ने इस विचार को आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। 7 तारीख को पिछले चाहे 20 साल में हो या 30 साल में इस छात्रावास से जो छात्र निकले हैं, आज चाहे उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो, या किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक बहुत अद्भुत सा प्रयास कि कम से कम एक बार मिलें। हर जगह जितने भी छात्रावास हैं चाहे और भी हैं, हर कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन राजपूत छात्रावास सीकर में शायद मेरे हिसाब से कई साल बाद में, पिछले 20 साल से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मैं भी सीकर में सक्रिय हूं, लेकिन पहली बार हर तरह के, चाहे छात्रावास से निकल करके कहीं स्थापित हो गए, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे खुद कोई नौकरी कर रहे हों, आज सब लोगों का एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस छात्रावास की देन है। आज यदि मैं कह रहा हूँ, यदि जिस छात्रावास में आप 5 साल रहे हैं, 4 साल रहे हैं, और वो छात्र जीवन में जिन लोगों के साथ में आप रहे हैं और उनसे अरसों बाद में एक साथ मिलने का बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं जितने भी मेरे से सीनियर्स साथी रहे हैं या जूनियर्स रहे हैं, सबसे अपील करूँगा कि आप सीकर आएँ। आपका छात्रावास श्री राजपूत कल्याण छात्रावास में एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें यदि आप आएंगे तो आपके जितने भी जूनियर साथी हैं या आपके जो सीनियर साथी हैं, सबका एक साथ में मिलने का अद्भुत मेला होगा और आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सबसे मिलकर के कई नए आयाम में इस छात्रावास का भी स्वरूप चेंज हो। आज आधुनिक युग है, यदि आप अपन आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इस छात्रावास में अपन रहे हैं, तो मैं अपील भी करना चाहूँगा, यदि आप यहाँ आओगे तो आप भी कई अपने विचार लाओगे, कई आपके जो मानस में चल रहा है उसकी चर्चा करोगे, और छात्रावास में भी क्या मूलभूत सुविधाएं अपन क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आज के छात्र जो यहाँ रह रहे हैं उन बच्चों को अपन मोटिवेट कर सकते हैं, उनको किस दिशा में काम करना चाहिए। यदि आप सब अपन एक साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से कुछ नए लक्ष्य की ओर जाएंगे। श्री कल्याण राजपूत छात्रावास के पूर्व विद्यार्थियों और वर्तमान छात्रों को एक दीपावली पश्चात 7 नवंबर 2021 को रविवार को पूर्व छात्रों का एक स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे छात्रावास में रहे हुए पूर्व विद्यार्थियों ने अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक विभिन्न अपने स्थानों पर तरक्की की है, तो सबका हमने स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। सभी पूर्व छात्रावास के पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस स्नेह मिलन में अधिक से अधिक आप एकत्रित हों। श्री कल्याण राजपूत छात्रावास का पूर्व छात्रों का सम्मेलन जो 7 नवंबर 2021 को रखा गया है, काफ़ी समय से कई छात्रों की मांग हो रही थी, साथियों की मांग हो रही थी कि एक सम्मेलन का आयोजन किया जाए, और वैसे तो हम 10-15 लोग थे, वो एक दो साल से कोई प्रोग्राम करते थे, इकट्ठे होते थे, लेकिन सबकी ये मांग थी कि भाई बड़ा प्रोग्राम किया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से एक दो साल से पेंडिंग चल रहा था। अभी इसका निर्णय हुआ और 7 नवंबर 2021 को इसका आयोजन रखा गया है। इसमें 110 के लगभग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 2-3 दिन का टाइम और है। कहने का तात्पर्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग इस प्रोग्राम में पहुँचें ताकि प्रोग्राम सार्थक रहें।